इधर हनुमान बेनीवाल का रिएक्शन सामने आया है उपचुनाव को लेकर। उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इस दौरान एक बार फिर से प्रदेश में अशोक गहलोत और वसुंधरा के गठबंधन की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर इस प्रदेश को डुबोने का काम किया। बेनीवाल ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही। यहाँ के जवान और 36 कौम के लोगों ने मन बना लिया कि वल्लभ नगर के अंदर मेलों से राजनीति बाहर निकल के किसान के बेटे की झोंपड़ी के अंदर आनी चाहिए। ये वल्लभ नगर की जनता चाहती है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ वल्लभ नगर में। अफीम के जो पट्टे हैं, एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मालवा का जो हमारा इलाका है नीमर से लेके कोटा से लेके उदयपुर की तोड़ कर सबसे अच्छी अफीम हिंदुस्तान के अंदर इसी इलाके के अंदर होती है और अफीम से ही सारी दवाएं करीब करीब बनती है। लेकिन अफीम के काश्तकार परेशान है, आत्महत्याएं करें। अफीम नीति में बदलाव की आवश्यकता है।